ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुद्दीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। जनरल सेक्रेटरी ऑफ ABCD अंडमान
सॉरी ऑफिशियल बैडमिंटन का देख पाओ। मैं जनरल सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आकर इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं। And a warm welcome to the badminton finals. And on behalf of the MBSC's Badminton Club Dairypong, I would like to extend a warm welcome to our Chief Guest of Tourist Function, Honorable DC Srivastavji. Thank you, sir, for attending the competition. खेलना जरूरी होता है, हो सकता है जो मैं कैश प्राइज है पूरा
कम करना है, खेलना जरूरी है, तो सब लोग खिलाने का प्रयास करना चाहिए। और मिस्टर निर्णायक से मैं इंटरेस्ट हुआ था टेस्ट के लिए, ये मेरे पास आए और इन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रपोजल दिया कि जो हमारे जेल में जो हमारे इनमेट्स हैं उनको भी चेस खिलवाना चाहिए। तो मुझे इतना अच्छा लगेगा कि एक जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन है वो जेल में जो जेल की कैदी है उनका भी उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनका अच्छा ध्यान बनाने के लिए चेस आयोजन करेगी। ऑल निकोबार बैडमिंटन एसोसिएशन की है तो बैडमिंटन की जरूरत आयोजन भी वहाँ किया जाता है। जो यहाँ पे मुझे भी आए हैं लगभग 65-66 दिन हुए हैं, तो एक जो मैंने यहाँ पे अच्छी बात देखी वो कि ये मिनी इंडिया है, हर जगह के लोग यहाँ रहते हैं और अच्छी तरह से हार्मनी के साथ रहते हैं। यहाँ की यूथ में बहुत पोटेंशियल है और उसको हमें हार्नेस करना है। और एक समस्या जो थोड़ी है वो यहाँ पे ड्रग्स की समस्या है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो यंग लोग हैं और जो इलेक्टेड लोग हैं और जो यहाँ पे जो क्लब है इस तरह के NGO है सब लोग साथ हैं कि ताकि हम ड्रग की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करें। और जो लड़के हैं हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो अपना ध्यान खेलों की तरफ लगाएं। और जो पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल कि कभी अंडमान का भी जो बच्चा है या बच्ची है वो इंटरनेशनल स्तर पर खेल के और बहुत उपलब्धि अर्जित करें। एक मेरा भी फेवरेट गेम है, मैं भी यहाँ रेगुलर खेलता हूँ और मरीजा डॉक पे और यहाँ मैंने बड़े अच्छे प्लेयर्स देखे। तो पूरा ये एक्सरसाइज वाला गेम है, पूरा आपकी मेंटल फिजिकल टफनेस को चैलेंज करता है और पूरा आपको दिन भर की एक्सरसाइज करता है। मैं यंग लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो इस गेम को खेले और आज का अभी जो विनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई और जो नहीं जीत पाए उसको भी बधाई, क्योंकि खेल में खेलना जरूरी होता है, जीतना जरूरी नहीं होता। और जो कि अभी लास्ट गेम होगा उसमें मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि लेट द बेस्ट टीम वर्क विद और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन थैंक यू द ऑर्गेनाइजर्स स्टाफ एंड मिस्टर डिलाया एंड मिस्टर शेख फॉर कॉलिंग ओवर हियर एंड इनवाइटिंग मी टू विटनेस दिस फंक्शन। मे गॉड ब्लेस यू।
नमस्कार अनुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें नमस्कार अनुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें एम्बिशियस बैडमिंटन क्लब डेयरी फॉर्म ABCD और आज यहां पर जो है ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे आज यहां पर टूर्नामेंट यहां पर कराया गया और इसी सिलसिले में हम नीलैया सर से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें यहां पर जो चीफ गेस्ट थे हमारे DGP सर और सर के बाद जो है यहाँ पर SP साउथ अंडमान सर। तो पहले रोहित जी आपको धन्यवाद, पूरे ABCD मेंबर्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं।
ये हमारा क्लब का जो है पहला टूर्नामेंट रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और मैं बिहाफ ऑफ ABCD सभी जितने भी मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड ऑल अदर मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो है मैं कंग्रेचुलेट करूंगा और उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने सब कोऑपरेट करके जो है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल किया है। और ये टूर्नामेंट जो है हम जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में खड़े थे, जो कि मेजर ध्यानचंद हॉकी विजर्ड जो है उनका बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है हम लोग एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया। और हमारा क्लब का ये मैंने एक्टिव है यहाँ पे स्पोर्ट्स को, बैडमिंटन और बाकी अदर स्पोर्ट्स को भी जो है प्रमोट करे और एक ऐसे स्पोर्ट्स कल्चर को क्रिएट करना है ताकि जो यंग जनरेशन है, यूथ जो है इसमें जुड़े और बाकी जो जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं है खेलने का कुछ, तो अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी और इस तरह जब मिलेंगे उनको तो डेफिनेटली जो है उन लोग स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे और एक अच्छे रास्ते पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे दीप समूह के बच्चों के लिए कोई संदेश? स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं जो खेलते हैं वो खिलते हैं, तो खेलो इंडिया का भी यही मोटो है, जो खेलेंगे उसको जो है फिट रहेगा और वो माने बाकी एक्टिविटीज़ भी जो है वो एक्यूरेटली कर पाएगा। तो मैं जितने भी बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं और बाकी यूथ हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े और अपने आप को जो है काबिल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इसके बारे में बताने के लिए। और जो है यहाँ पर सिंगल्स और डबल्स के जो टीम जिन्होंने जीत प्राप्त की है और साथ में रनर अप, उनको भी हम बधाई देते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ अब तक। मैं रोहित कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ अब तक, अब सच देखेगा अंडमान।